हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ गई हूँ DIY फेस पैक, जो कि आपके एक्ने और पिंपल के लिए तो हेल्पफुल है ही, ये आपके ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को भी ख़त्म करेगा, आपके स्किन को लाइटन करेगा, आपके पोर को टाइटन करेगा, आपको सनबर्न से बचाएगा, आपके स्किन को सॉफ्ट और नरिश बनाएगा, रिंकल को रिड्यूस करेगा, सेल को रिपेयर करेगा और एजिंग को भी स्लो करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस पैक को कैसे बनाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देख लेते हैं इस पैक को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर दही, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दही ले लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी मसूर की दाल का पाउडर, जिसे मैंने 2 टीस्पून लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे हनी ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसके बाद मैं हाफ टमाटो उसका जूस यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो इन सब को मिला के आपको अच्छे से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो हमारे यहाँ पैक बन के तैयार हो गया है। इसे लगाने का मेथड थोड़ा सा अलग है। इसे आपको लेके अपने चेहरे पे पहले मसाज करना है 10 से 15 मिनट तक। आप इस तरह से करेंगे मसाज, इससे आपकी स्क्रबिंग भी हो जाएगी। इसके बाद आपको इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस पैक को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यूज़ किया था दही। दही जो कि आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, इसमें होता है एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि आपके एक्ने और पिंपल को रिड्यूस करता है, आपके स्किन को ग्लोई बनाता है और आपके रिंकल को भी ये रिड्यूस करता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था मसूर दाल का पाउडर, जो कि ग्रेट एक्सफोलिएटर है, जो आपको आपके पोर्स को टाइटन करेगा, आपके स्किन को ब्राइटन करेगा, आपके स्किन को सॉफ्ट और नरिश बनाएगा, आपके स्किन को ऑयल फ्री रखेगा। अगर आपके स्किन ऑयल फ्री होगी तो इसमें एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने यूज़ किया था दही। दही में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि एक्ने से हमें बचाता है। ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे एजिंग को स्लो कर देता है, कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट करता है। फिर हमने यूज़ किया था यहाँ टमाटो। टमाटो जो है हमें सनबर्न से बचाता है। इसमें विटामिन सी होता है, जो कि हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बनाए रखता है, सेल को रिपेयर करता है और ओपन पोर को टाइट करता है। अब ये पैक सूख चुका है अच्छे तरीके से। अब इसे हम नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे फेस को वॉश कर लिया है और आपके सामने रिज़ल्ट है। फेस को वॉश करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। आप इस पैक को वीक में 3 बार लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।